प्रसिद्ध शीतल षष्ठी यात्रा आरंभ। आज संबलपुर बड़ा बाजार के शीतलेश्वर बाबा के शीतल षष्ठी पत्र प्रेरणी प्रोग्राम आरंभ, जिसमें भावेश चंद कन्या पिता और जगदीश कालानोरिया वर पिता के रूप में दिखाई दिए थे। यूं तो यह पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन की घोषणा की गई है, जिस कारण इस पर्व को बड़े ही साधारण तरीके से मनाया गया, जिसमें सामाजिक दूरियों के साथ साथ यहां केवल 12 से 15 लोग ही देखा गया और सभी को मास्क पहने हुए नजर आए। आज सुबह 10 बजे से पूरे रीति रिवाजों के साथ पत्र प्रेरणी प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। आइए जानते हैं इस विषय में कुछ खास। संबलपुर से अनु शर्मा की रिपोर्ट, P24 न्यूज एक्सप्रेस। नमस्कार, P24 न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज आपका जो ये शीतल षष्ठी के इस विषय में आप कुछ बताइए। आज जैसे आप जानते हैं विधि के विधान अनुसार कोरोना का जो लॉकडाउन चल रहा है, उसी के दौरान हम लोग का पत्थर पेड़ी प्रोग्राम आज चल रहा है। आज भगवान शिव माता पार्वती को खोजने के लिए निकलते हैं घर से। उसी दौरान मेरे घर में भगवान शिव के सप्तर्षि गए थे माता पार्वती को ढूंढने के लिए। आज हमारे घर में पत्थर पेड़ी कार्यक्रम अनुष्ठित हुआ है। माता पार्वती को भगवान शिव के लिए हम लोग कन्या के रूप में दान करना चाहते हैं। तो आपको ये करने के लिए प्रतिष्ठा कहाँ से मिली? देखिए, ये तो मतलब पिछले 18 साल हो गया हम लोग सिद्धेश्वर मंदिर में हम लोग ये आयोजन करते आ रहे हैं, लेकिन ये देखते हुए मेरे मन में एक तो आशा कर गया था कि कभी भी मैं माता पार्वती को अपने घर लेके जाऊं और कन्यादान करूं, लेकिन माता पार्वती के आशीर्वाद से बहुत जल्दी और बहुत मतलब आशा का अनुरोध मेरे को माता पार्वती का आशीर्वाद मिल गया है। इस बार माता पार्वती मेरे घर में कन्या हो गया है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हर कोई जानते हैं कि ये एक तो महामारी का कोरोना का सिचुएशन चल रहा है, उसमें गवर्नमेंट का जो अधिनियम है उसी को लॉ को हिसाब फॉलो करके हम लोग ये कर रहे हैं। भगवान को हर किसी के माध्यम से भगवान का आशीर्वाद मांगता हूँ कि ये जो महामारी है बहुत जल्द खत्म हो जाए और हर कोई खुशी और शांति से रहे। तो आपको ये पूजा करके कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत खुशी, भगवान का पूजा तो हर कोई मतलब आगे में मिलने से ही मिलता है, लेकिन ये जब मिला है तो बहुत खुश। और आगे इसके आगे और क्या क्या प्रोग्राम है आपके? आज जैसे पत्थर पेड़ी हुआ, कल हम लोगों का हनुमान निकलता है, भगवान बजरंगबली जाएंगे जिसमें देवा देवी उनको निमंत्रण देने के लिए। उसके बाद 27 तारीख को हम लोगों का बराती आते हैं, लेकिन इस बार लॉकडाउन की सिचुएशन से हम लोग नहीं कर पाएंगे और पार्वती माँ को घर में ही खाली घमसन करके यहाँ नदी में लाके शादी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका परिचय? मेरा नाम सुरोज कुमार साहू है, मैं बड़ौजा शीतल षष्ठी कमेटी का संपादक हूँ। सर, P24 न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज जो ये पत्थर पेड़ी प्रोग्राम चल रहा है, इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आज के डेट में भारतवर्ष में जो एक तो महामारी चल रहा है जिसको COVID-19 बोलते हैं, वो महामारी के लेके हम लोग अपना ये जो पत्थर पेड़ी उत्सव कर रहे हैं वो गाइडलाइन के हिसाब से कर रहे हैं जी। हम लोग सरकार से गाइडलाइन में हमको बोला गया कि आप 14 आदमी को लेके ही पत्थर पेड़ी करेंगे बोल के, इसलिए बिना बाजा गाजा लेके खाली घंट और शंख के साथ क्या हम 14 आदमी ही जाके पत्थर पेड़ी की और विडम्बर आकार से हुआ जो बहुत बड़ा आकार में किया जाता है वो नहीं करके
गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग पालन किए हो जी 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 मैंने पिछले साल के हिसाब से इस साल में आपको क्या अनुभव हो रहा है? देखो शीतल षष्ठी संबलपुर का सबसे बड़ा त्यौहार है। ये त्यौहार को वाल का एक तो कार्निवाल बोला जाता है, ओपन स्टेज में ये किया जाता है, लेकिन आज के डेट में ये COVID-19 के चलते हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ना चंदा कलेक्शन किए हैं, ना सरकार से सहायता लिए हैं, कुछ ले खाली प्रोग्राम इसलिए होता है कि शादी किया जाएगा भगवान का उजले खाली उसी हिसाब से शादी कर रहे हैं बिना कुछ करके। और अच्छा इसके बाद और क्या क्या प्रोग्राम है? जैसे कि कल अपना देवा निमंत्रण होगा जी, यानी कि जैसा हम लोग शादी में अपने परिवार को बुलाते हैं, शादी में न्योता देते हैं आने के लिए, इसलिए कल अपना यहाँ भगवान श्री हनुमान जी निकलेंगे और अपने आसपास में जितना मंदिर है वहाँ जाके न्योता देंगे कि 27 तारीख को भगवान शिव का जो शादी होगा उनके साथ बारात जाके शादी में शामिल होने के लिए कल निमंत्रण किया जाए जी। बहुत बहुत धन्यवाद।